गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। आज हम लोग आरपीएफ के थर्ड शिफ्ट के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 25 जनवरी को हुआ था, और इसके अंदर आपका जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे हम लोग। तो सारे बच्चे है ना भाई, आप लोग बता के जाया करो कि इन क्लासेस से आपको कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो। ठीक है, क्लास को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर किया करो, मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीके का पोर्शन तो हर एग्जाम में आता है। तो अपने फ्रेंड्स के पास है ना, क्लास को शेयर कर दिया करो सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 के अंदर बना था भाई। इन विच ईयर इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। अगर 193 देश की बात की जाए तो दक्षिणी सूडान है आप लोगों का, जो कि कब बना था, 2011 के अंदर बना था, और भारत बना था 30 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं आप लोगों के? अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चाइना है और फ्रांस है। क्लियर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो आप लोग क्या बोलेंगे, ताजमहल बनवाया गया था मुमताज की याद में। ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मेमोरी ऑफ मुमताज। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया था। मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई थी तथा ताजमहल 1652 में बनके तैयार हो गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे याद करेंगे कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है? शाहजहां के काल को, क्योंकि इसने अपने काल में सबसे ज्यादा इमारतें बनवाई थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। जोधा अकबर वाला सीरियल आता था ना, उसमें वो गुलबदन बेगम सारा दिन अपने हाथ में मतलब वो एक वो ग्रंथ सा लेके घूमती रहती थी, तो वो हुमायूं नामा ही होता था। नूरजहां मिर्जा गियास की पुत्री थी, जहांगीर की पत्नी थी। जोधाबाई अमेर की राजा भारमल की पुत्री थी और अकबर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट ऑपरेशन? कब हुआ था? 1945 के अंदर। कब भाई? 1945। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अगर एक्ट पूछ लिया जाए ना तो 1934 वाला एक्ट है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये डेट याद कर लो, मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलती है जो ये डेट है ना आप लोगों की, 1 अप्रैल 1935, ये तो हर एग्जाम में देखने को मिलती है, अच्छे से याद कर लो। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण एक ये वाली डेट। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। बना कब था? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा है? 1934 वाला। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एक्सप्लेनेशन है ना बड़े कमाल की है भाई। सारे बच्चे अच्छे से याद कर लो, पूरी क्लास को देखोगे ना बहुत बेनिफिट होने वाला है रियल में। वर्तमान में 25वें शक्तिकांत दास, 1955 इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था 1955 के अंदर। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, ये चीज याद करने की है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएफ हुसैन किसके क्षेत्र में? कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन भी, एम एफ हुसैन। ये ना आपके पेंटिंग से संबंधित है, मूवी है ना आमिर खान वाली मन मूवी, उसमें वो पेंटिंग को, किसकी पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस होती है? एम एफ हुसैन की ही ये हो जाएगी। और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म, ये कोई रियल बताऊं तो कोई जरूरी वाली बात नहीं है, याद करने की छोड़ो, ये वाली चीजें देखो। इनको है ना पद्मश्री सम्मान मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, और केरल सरकार ने भी प्रतिष्ठित सम्मान राजा रवि वर्मा पुरस्कार। इस टाइप के क्वेश्चन याद किया करो बस। राजा रवि वर्मा पुरस्कार किनको मिला हुआ है? एम एफ हुसैन जी को मिला हुआ है, जो कि क्या है, एक पेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? टेम्प्रोलाइन में नहीं होती, स्काइंग में नहीं होती, या फिर बिलियार्ड्स में नहीं होती, या फिर हॉकी में नहीं होती। तो टेम्प्रोलाइन में नहीं, हॉकी में तो होती है, बिलियार्ड्स में भी होती है भाई, ये भी होता होगा कुछ। टेम्प्रोलाइन उपकरण है जिसमें तना हुआ एक टुकड़ा होता है, मजबूत फ्रेम के स्टील के फ्रेम में कई कुंडलित स्प्रिंग का। अब ये जैसे टेम्प्रोलाइन आया है ना, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना एक बार कि ये कौन सा गेम होता है, तब जाके चीजें याद रहती है, यू रटने से कुछ नहीं होता। अभी सर्च करेंगे सारे बच्चे गूगल पे, और फिर बताना कौन सा गेम होता है ये। एक मजबूत फ्रेम में स्टील के फ्रेम में बीच में कुंडलित स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन और प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के लिए लोग टेम्प्रोलाइन पर उछलते हैं। इस खेल में स्टिक प्रयोग नहीं की जाती। स्केटिंग एक ऐसी व्यायाम मशीन है जिसको करने में मजा भी आता है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभाजित होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोर सेल्स आर डिवाइडेड फॉर ग्रोथ, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है भाई माइटोसिस। क्या कहलाता है? माइटोसिस। ओके, सूत्री विभाजन बोलते हैं इसको, मियोसिस, सॉरी नहीं माइट, एक सेकेंड। यह एक विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन है जो कि यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए जरूरी होती है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ये भ्रूण विकास के दौरान डिंब एक ऐसी कोशिका है जो पूरे जीव को बनाने की क्षमता रखती है। ये कोशिकाएं सूत्री विभाजन द्वारा कई बार विभाजित हो जाती हैं और ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं जो कि पूर्ण सक्षम होती है, अर्थात विभाजित होकर प्रत्येक कोशिका पूरा का पूरा जीव बना देती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस का लेखक किसको बोला जाता है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास है। इन्होंने रामायण को जनभाषा अवधि में लिखा था, लिखकर इसे अमर काव्य बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विवादित है, नहीं कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि सौरव उत्तर प्रदेश में हुआ था तो कुछ मानते हैं कि राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 में वाराणसी में हुई थी। ये वाली चीजें याद रखने की हैं कि विनय पत्रिका किसने लिखी? तुलसीदास ने। दोहावली किसने? तुलसीदास ने। कवितावली किसने? तुलसीदास ने। हनुमान चालीसा किसने? तुलसीदास ने। अब आगे आप लोगों के सामने सूरदास के बारे में बातें हैं, ये भी क्वेश्चन का पार्ट बनता है, एग्जाम का पार्ट। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, श्रृंगार रस वात्सल्य कवि थे, ये वाले सूरदास जी। शंकराचार्य कौन थे? 788 में केरल में जन्म हुआ था, मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं थी यक्ष गोविंदम। अब यक्ष गोविंदम किसकी है? शंकराचार्य की। सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि, ये सारी किसकी है? शंकराचार्य जी की है, अच्छे से याद कर लेना। कालिदास की क्या है? गुप्त राजवंशीय समकालीन मुख्य रचनाएं है मेघदूतम, कई बार आता है एग्जाम में, कुमार संभव और ऋतु संहार, ये किनकी बुक है? कालिदास जी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? देखो भाई, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, आवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है या जड़त्व कहलाता है? तो ये कहलाएगा संवेग, मोमेंटम। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समय कहलाता है। किसी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है, इसको पी से दर्शाया जाता है। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश अदिश दो टाइप की होती है। इसका एसआई मात्र किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, अच्छे से याद कर लेना। जब किसी पिंड पर बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल और समयावधि के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग होता है बल गुना समयावधि, यानी कि संवेग में परिवर्तन। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर सेकंड होता है। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है? 2011 की जनगणना, यही अब है ना, जो बच्चा भी यहाँ तक पहुंचा है क्लास देखते, वो अपना नोटबुक में नोट कर लो कि आप लोगों को 2011 की जनगणना पढ़नी है 100%। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी थी भाई? केरल की थी 2011 में, और 94% थी। महाराष्ट्र की थी 2011 के अकॉर्डिंग, ये तमिलनाडु की, ये पंजाब की, ये कोई जरूरी नहीं है, केरल वाला डाटा इम्पोर्टेंट है तो याद कर लेना, 94% थी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? फॉर व्हाट रीजन है चंडीगढ़ बीन डिक्लेयर अ यूनियन टेरिटरी? तो कौन सा रीजन था भाई? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व ही तो था। ओके, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस ही तो थी। चंडीगढ़ को राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व की वजह से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है तथा इसे 1 नवंबर 1966 को दर्जा प्राप्त हुआ था। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन? तो किसको बोलते हैं भाई? प्रोटोन और न्यूट्रॉन को मिला के। प्रोटोन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, और प्रोटीन की खोज 1920 में रदरफोर्ड ने की थी। किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताना है अभी के अभी, आंसर लिखना है सारे बच्चों ने, इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की थी। किसी भी तत्व की बाह्यतम खोज में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, वियना शहर किस नदी के किनारे है? तो वियना किसके किनारे है? तो आप लोग बोलेंगे डेन्यूब नदी के किनारे। किसके? डेन्यूब के।
वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसकी लंबाई 2850 है। इस नदी के किनारे बुडापेस्ट भी है, बेलग्रेड भी है, राजधानी और बहुत सारी राजधानियां पाई जाती हैं। वोल्गा नदी यूरोप की नदी। अभी वोल्गा नदी, मोस्टली नदियों के नाम पूछ लेते हैं, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे तो पूछने ही लगे अब जी के। तो वोल्गा कहाँ की है भाई? यूरोप की नदी है। इसकी लंबाई इतनी है, 3540 किलोमीटर, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। डॉन नदी की लंबाई 1870 किलोमीटर। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है और इससे सबसे ज्यादा कोयले का व्यापार किया जाता है। इसकी लंबाई है 1233 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पे उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? व्हेन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट डाइज ड्यूरिंग हिज टेन्योर देन हु इज अपॉइंटेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज पोस्ट इन दैट स्टेट। तो कौन भाई, क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस होते हैं ना वहां की हाई कोर्ट के, वो करेंगे। ठीक है, तो किसी राज्य की राज्यपाल की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उसका रिक्त पद कौन संभालेगा तब तक? तो उसी हाई कोर्ट के जो मेन न्यायाधीश है वो संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, इसलिए संवैधानिक तरीके से हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। मुख्यमंत्री जनता का एक प्रतिनिधि होता है, बहुमत दल का नेता भी होता है। राज्य महाधिवक्ता कौन होता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग राज्य द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता तो कहाँ का होता है? राज्य का होता है। ठीक है जी, और देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये तो राज्य की बात हो रही है, महाधिवक्ता तो राज्य का होता है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, हिल्टन यंग आयोग की स्तुति पे 1 अप्रैल 1935 को पहली बात आरबीआई की स्थापना किसकी आयोग की सिफारिश पे हुआ था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन भी करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना, अब ये सेबी वाला इम्पोर्टेंट, अभी सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में, तथा सेबी एक्ट 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष स्तरीय निकाय है। एफएसडीसी का गठन 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। अब सिडबी इम्पोर्टेंट है भाई। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय विकास बैंक के रूप में एक सहायक बैंक के रूप में हुई थी। सिडबी और सेबी दोनों संस्था याद कर लेना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, द साउंड ऑफ ए सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है भाई? टोन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टोन। ओके, क्या कहलाएगी? टोन। एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के पिच के स्तर का आभास होता है। जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिजेबल सब्सटेंस, तो कौन सा नहीं है? इसमें से टीन नहीं है, कॉटन भी है, लकड़ी भी है, पेपर भी है। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ टीन। कॉटन जैविक रूप से गल सकता है, पेपर भी गल सकता है, लकड़ी भी गल सकती है, बट टीन नहीं गल सकता। तो ये क्या है? जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ एशियन गेम्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इजिप्ट। नहीं है भाई, इजिप्ट नील नदी का वरदान बोला जाता है इसको। एशियाई खेलों में मिस्र ने भाग नहीं लिया क्योंकि मिस्र अफ्रीकी देश है और एशियाई खेलों में एशियाई देश भाग लेते हैं भाई। दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान आदि देश भाग लेते हैं। एशियाई खेल 2018 मेजबान शहर जकार्ता पोलेम्बर्ग, इंडोनेशिया ने इतने पदक जीते। ये वाला ये उस टाइम की बात है, तो करंट का क्वेश्चन था ये उस टाइम पे, बट अब नहीं है। अब वाला एशियाई गेम याद करने आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है?
एन ओर मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल आर नॉट डिकम्पोज्ड बट रिमेन सस्पेंडिंग थ्रू आउट द मीडियम दे आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोला जाता है? सस्पेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निलंबन। क्या बोला जाएगा? निलंबन। ठीक है, निलंबन रहते हैं तो निलंबित रहते हैं तो निलंबन ही बोला जाएगा। ओके, सस्पेंडेड रहते हैं तो सस्पेंशन ही बोला जाएगा। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है लेकिन माध्यम की सृष्टि में निलंबित रहते हैं वो निलंबन कहलाता है। उदाहरण के लिए आटे या पानी का मिश्रण, तेल या पानी का मिश्रण, चौकी या पानी का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। पुरुष और स्त्री शरीर से मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रुद्र कहलाएगा, पतिश्वर कहलाएगा, अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर कहलाएगा। ठीक है, पुरुष और स्त्री शरीर से मेल से बना भगवान शिव का रूप अर्धनारेश्वर कहलाता है। सृष्टि के निर्माण हेतु शिव ने स्वयं पुलिंग की तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग का घोतक है। पुरुष शिव और स्त्री शक्ति का एक होने के कारण शिव नर भी है और नारी भी है, और इसका मतलब वो क्या है? अर्धनारेश्वर है। क्या है वो? अर्धनारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू फोर्स फ्रॉम, कब से? 26 जनवरी 1957 से। कब से? 26 जनवरी 1957 से। जम्मू और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। जम्मू और कश्मीर के संविधान की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी। जम्मू और कश्मीर के संविधान को बनने में 5 साल का टाइम लगा था। 17 नवंबर 1957 को जम्मू और कश्मीर संविधान अंगीकृत कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को यह बनके तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट है भाई, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद से? दिल्ली से संबंधित भाई, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू दिल्ली हैव बीन गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 239, आर्टिकल नंबर 239। और संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए की व्याख्या को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद था। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जिसमें अधिकार और सीमाएं वर्णित है। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय वादियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय है भाई। और अनुच्छेद 239 विशेष रूप से दिल्ली के लिए संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? कौन सा खिलाड़ी है? तो विनेश फोगाट है भाई, विनेश फोगाट आपकी कुश्ती से ही संबंधित है। कुश्ती से संबंधित महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट है। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल विजेता है भाई। 25 अगस्त 1994 को बलाली हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। किदम्बी श्रीकांत भारतीय, ये किदम्बी श्रीकांत ही बैडमिंटन के प्लेयर है। ठीक है, नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक है ही, और पीवी सिंधु तो आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। पीवी सिंधु और किदम्बी श्रीकांत दोनों बैडमिंटन के, नीरज चोपड़ा भाला फेंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? 1968 में हरित क्रांति की प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्शाने के लिए सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो राइट आंसर था गेहूं। गेहूं से ही तो शुरुआत हुई थी ना। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली फसल गेहूं थी, और इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, और इसके जनक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। और इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पे। किस पे? गेहूं और चावल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप किसके अधिकार के क्षेत्र में आएगा भाई? ये आएगा आपका केरल में। किसके अंडर में आता है? ये केरल के अंडर में आता है। लक्षद्वीप केंद्र शासित केरल के उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय बंबई में है। इसके दो खंडपीठ नागपुर और औरंगाबाद में कार्यरत है। कर्नाटक का उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में। कर्नाटक का कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और महाराष्ट्र का मुंबई में, और गुजरात का आ जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अभी अपना, 25 ही क्वेश्चन करेंगे, 25 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड कहाँ पे है? ये महान हिमालय क्षेत्र में है, इन द ग्रेट हिमालय रीजन। ठीक है, महान हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट। और अब ये बातें हैं काम की,
माउंट एवरेस्ट महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। महान हिमालय वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल में स्थित है। नेपाल 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 के इसे सागरमाथा 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 कहाँ पे जाना जाता है? नेपाल में। किसको? माउंट एवरेस्ट को। ऊंचाई है 8848। अच्छे से याद कर लो, 8848 1850 भी मिल सकता है, बट अपडेटेड ऊंचाई दोबारा फिर से दो घट गई 8848। पहले यही थी, फिर 50 आया, दोबारा से 8848 आ चुका है। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसकी ऊंचाई इतनी है, यहाँ से 8848 ही बोल देना सारे बच्चे। शिवालिक को भैया हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ये याद रखना। इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल के अंदर, माउंट एवरेस्ट को, और ऊंचाई है इसकी 8848 मीटर। समझ आया? और ये कहाँ पे है? महान हिमालय क्षेत्र में है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊंगी आपको। लो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा। वित्तीय घाटा का अर्थ है, फाइनेंशियल लॉस का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल रेमेडी, एक्सटर्नल डेब्ट, करेंसी प्रिंटिंग, या फिर सारे? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और सारे बच्चे लाइक कर दिया करो क्लास को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं भाई। क्लियर? ये सीरीज पूरी होते ही अभी है ना, थोड़े दिनों के अंदर ही आप लोगों की मतलब टॉपिक वाइज क्लास भी शुरू हो जाएंगी बाकी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।